हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रितुस लाइफ एंड लिविंग। आज जैसा कि आप सबको मैंने पहले भी वीडियो डाल रखे हैं कि मैं कुछ महीनों या एक दो साल के लिए सिनसिनाटी ओहायो अमेरिका में थोड़ी शिफ्ट हुई हूँ। मेरा एक्सपीरियंस मतलब ट्रैवलिंग तो काफ़ी लंबी थी, लेकिन वो तो आप एक ही बार करते हैं, जब वापस जाएंगे तभी हम करेंगे वापस से। मगर ऑल टुगेदर मैं जितनी भी कंट्रीज़ यानी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में भी 5 6 साल रह चुकी हूँ, और यहाँ पर अभी जस्ट फ्यू डेज़ हुए हैं तो यहाँ के बारे में मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती, लेकिन 2 4 दिन में जो एक्सपीरियंस हुआ उसके अकॉर्डिंगली मैं बोल रही हूँ। मे बी इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट फॉरेन कंट्रीज़ में आप देखेंगे लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं लेकिन काफ़ी पोलाइट होते हैं। आई डोंट नो, कई कई वीडियोस मैंने देखे हैं ऑनलाइन जो कि फॉरेन कंट्रीज़ की बुराई करते हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि हम उनकी कंट्री में जा रहे हैं सो हमें उस हिसाब से अडेप्ट होना है। जैसे कि कहें हम लोग की लड़कियां जब शादी करके जाती हैं तो जब ससुराल जाती हैं तो अकॉर्डिंगली अडेप्ट होती हैं। आप अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। इंडिया में भी ऐसा होता है कि कोई भी स्टेट दूसरी स्टेट में जाते हैं हम काम करने के लिए, तो वहाँ पर भी थोड़े लोग आपको मतलब इल ट्रीट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया में ऐसा नहीं होता और फॉरेन में ऐसा होता है, या फॉरेन में ऐसा नहीं होता इंडिया में ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आपका सोचने का ढंग है। मैंने देखा है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में लोग आपको सड़क पे अननोन लोग मिलेंगे और आपको ग्रीट करेंगे, बोलेंगे हेलो हाउ वाज योर डे और आज मौसम कितना अच्छा है। तो जब सनी डे होते हैं तो नॉर्मली यू विल गेट दिस काइंड ऑफ यू नो हाय हेलो। यहाँ पर भी मैंने नोटिस किया, जब भी मैं बाहर जा रही हूँ, क्योंकि एवरी डे वी आर गोइंग आउट, यहाँ पर हम मुझे कुछ ही दिन हुए हैं, मेरे हस्बैंड ने ही सारी फर्नीचर वगैरह जो भी लेना था मिनिमम, क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए नहीं हैं, हम लोग यहाँ पर सेटल नहीं होना चाहते, इट्स जस्ट अ प्रोजेक्ट, ही इज़ इनटू आईटी, सो एक दो साल के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। अगर एक दो साल के लिए भी हैं तो हमें सामान की ज़रूरत है, तो जितना भी सस्ता हो सकता है हम लोग ले रहे हैं, जितना भी हमें मिलता है अच्छा क्वालिटी रिजनेबल प्राइस में हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो जैसे कि मैंने हाउस टू में दिखाया, हमने डबल बेड लिया है, 2 सिंगल बेड बच्चों के लिए हैं, और ये सब यू नो दैट मुझे अपना थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं तो ये घर जैसा लगना चाहिए। इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीज़ें डेकोरेशन की हुई हैं, और डॉलर ट्री जहाँ पर आपको $1 $2 $5 ऐसी चीज़ें मिलती हैं, तो बॉक्सेस लिए हैं, कुछ बॉक्सेस ग्रोसरी रखने के लिए जैसे दालें वगैरह रखने के लिए, कुछ बॉक्सेस ऐसा जिसमें कि मैं अपना मेकअप का सामान या कुछ और सामान या दवाइयाँ रख सकूँ। तो ये बाद में मैं वीडियोस बनाऊँगी छोटे छोटे, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि किस तरह से मैंने कम बजट में ऑर्गेनाइज़ किया है अपना घर। चीज़ें बहुत सारी होती है क्योंकि ये फैमिली है और फैमिली में हर चीज़ की ज़रूरत होती है। मुंबई में रहने में ये होता है कि हमारे पास ठंडी के कपड़े नहीं होते हैं, तो वो तो हमें खरीदने ही पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ठंडी पड़ती है, और अभी भी मौसम 23 24 है, पर सडनली एकदम बारिश शुरू हो जाती है, मौसम चेंज हो जाता है और मुझे बहुत ठंडी लगती है। मेरा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से आने का यही वजह थी कि मेरे बॉडी एक काफ़ी होता था, मैं चल नहीं पाती थी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि फॉरेन में जाने के बाद वापस आना, इवन हम लोग अबाउट टू बाय 3 4 बेडरूम्स का हाउस, बट वो क्या हुआ जैसे ही बुक कर मेरा दिमाग एकदम चेंज हो गया कि मुझे आई थिंक यहाँ पर नहीं रहना है। मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन था, छोटे बच्चे थे, वैसे फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं लगा वहाँ पर, और मैं वापस आ गई मुंबई और वहाँ पर एकदम सेट हो गई, और मुंबई में आके मुझे हो गया था 10 साल, फिर वापस इधर क्यों वो क्वेश्चन उठता है। तो हम लोग सोच रहे थे कि अमेरिका घूमने जाना है, क्योंकि मेरी यहाँ पर सिस्टर लॉ और ब्रदर लॉ ऑलरेडी रहते हैं, तो हमने सोचा एक ट्रिप लगाएंगे, और हम लोगों ने एक आध बार बुक भी कर दिया था लेकिन कोविड आ गया और उसके बाद हमारी बुकिंग कैंसिल हो गई। इस बार जब मेरे हस्बैंड को ऑप्शन मिला कि 1 साल के लिए 1.5 साल के लिए आपको हो सकता है, अगर आपको जाना है तो हम बहुत कीन हैं और हमें चाहिए कि आप उधर जाएं विद फैमिली अगर जा सकते हैं, तो मुझसे पूछा इन्होंने, और मैंने बोला चलो ठीक है हम लोग घूम भी लेंगे, बच्चों को एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को हर टाइप का आदत होना चाहिए। अभी वो 10 साल से इंडिया में हैं और उन्हें एक
आदत हो चुकी है इंडियन फूड, इंडियन कल्चर की, और मुझे लगता है कि लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है। मुझे देखिए, मैं इंडिया में रहने के बाद मैंने 2-3 कंट्री ऑलरेडी बदल दी है, और मुझे कोई मतलब चेंज नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता है स्टोव कैसे यूज़ करना है, मुझे पता है बाहर कैसे बात करनी है, क्या लेना है क्या नहीं लेना, किस तरफ क्या होगा। सो ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलती हैं जब आप ट्रैवल करते हैं, आप दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं? इट इज़ क्वाइट लोनली, अगर आपकी फैमिली नहीं है तो आपको बहुत अकेला लगता है। मगर हर चीज़ में गुड और बैड होता है, हर चीज़ में अगर कमी निकालेंगे तो हम खुश नहीं रह पाते हैं, और वो मेरे साथ हो चुका है बहुत बार। मैंने ये सोचा कि इस जो छोटा सा टाइम है हमारे पास 1-2 साल का, उसका क्यों ना हम यूज़ करें। मैं बहुत सारे वीडियोस बना रही हूँ छोटे छोटे, ताकि आपको यू नो बोर ना लगे। ये लंबा वीडियो है ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ मैं यहाँ क्यों आई हूँ और यहाँ पर कैसा लग रहा है, किस लिए। अभी तक तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, क्योंकि मैं समर में आई हूँ, विंटर में यहाँ पर स्नो होता है, तो वो देखेंगे, वो भी नज़ारा मैं दिखाऊंगी। और हम लोग ट्रैवल करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो जो भी ब्रेक हमें मिलेगा छोटा बड़ा, उसमें हम ट्रैवल करेंगे और अमेरिका या उसके आसपास की जगह देखेंगे। अभी हम लोगों ने 1 हफ्ते के लिए रेंट पे कार ली है, जिसका वीडियो भी मैंने बनाया है। हम लोग एक सेकेंड हैंड कार या जो भी कार हमें रीज़नेबल प्राइस में लगेगी हम वो ले लेंगे। कार्स यहाँ पर काफ़ी महंगी हैं, और अगर आप ब्रांड न्यू कार लेते हैं तो वो काफ़ी महंगी है। मगर हमारा प्लान इतने लंबे टाइम का नहीं है, हम लोग बिट कंफ्यूज हैं। तो ये सब बातें मेरे ख्याल से होपफुली जल्दी हो जाएगी, फिर उसके बाद ज़्यादा ट्रैवलिंग हम कर सकेंगे। कल हम लोगों ने बेस्ट बाय और वॉलमार्ट में जाके टीवी देखे। अभी तक हमारे पास टीवी नहीं है, क्योंकि ये मेरा वेट कर रहे थे कि हम लोग साथ में चूज़ करेंगे। एक टीवी बच्चों के लिए और एक टीवी हमारे लिए हम लोगों ने ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर मेरा फ़ोन नहीं चल पा रहा है, सिर्फ मैं वीडियो बना रही हूँ, अपलोड कर सकती हूँ थ्रू वाईफाई, बट मैं अमेरिकन नंबर यूज़ नहीं कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे दूसरा 5G का फ़ोन ख़रीदना पड़ेगा। मैं और मेरे हस्बैंड एक जो भी हमें फ़ोन मिलेगा, आई थिंक सैमसंग का कोई सिलेक्ट किया है रीज़नेबल प्राइस का, वो हम ले लेंगे, और उससे हम लोग मे बी आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। अभी तो मैं साथ में ही हूँ और ये घर से ही काम कर रहे हैं, बट सून ही विल बी गोइंग टू ऑफिस एंड देन आई विल बी नीडिंग 1 फ़ोन। शॉप्स काफ़ी पास पास पे वॉकेबल, तो मुझे नहीं लगता मुझे गाड़ी की ज़रूरत होगी। जहाँ तक बात है बच्चों के स्कूल की, दोनों के स्कूल अलग अलग होंगे, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो वहाँ 7th पास कर चुका है, तो यहाँ पर 8th में एडमिशन होगा, और उसे कहते हैं मिडिल स्कूल। 7th एंड 8th मिडिल स्कूल होता है, और उसके बाद फिर 9th 10th 11th 12th जो होता है वो अलग होता है, जिसमें कि मेरी बेटी 11th में जाएगी। उसका 10th क्लियर हो चुका है, शी गॉट 93%, सो इट वॉज़ रियली हैप्पी मोमेंट। मेरा बेटा भी पास हो गया है, बट वो पढ़ाई में थोड़ा सा तो बट ठीक है, दोनों अच्छे मार्क्स से पास हो गए हैं, आई एम वेरी हैप्पी। और अदरवाइज़ यहाँ पर मार्क्स का इतना मुझे नहीं लगता परसेंटेज का कोई वैल्यू होता है। यहाँ पर जब वो लोग स्टार्ट करेंगे स्कूल तो देखते हैं कैसा होता है। दूसरी बात, यहाँ पर बसेस सर्विस होती हैं, तो आपके गेट के पास बस आती है, आई डोंट नो उसके चार्जेस हैं कि नहीं है। स्कूल आई थिंक 8-9 बजे से लेकर 3-4 बजे तक होता है, उसके बीच में जो भी लंच ब्रेक होंगे उसके लिए आपको खुद से लंच लाना है या आपको पे करना है, दैट इज़ अप टू यू। अभी तक वो चार्जेस हमें नहीं पता है, होपफुली हम लोग 1-2 दिन में स्कूल जाके और देख के आएंगे, तभी मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी कि कैसा स्कूल है। और बाकी अंदर जाके शूट कर सकते कि नहीं वो तो मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं कोशिश करती हूँ जहाँ भी हो सके एक छोटा छोटा वीडियो बना दूँ और डालती रहूँ। और अगर आपको भी मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या वॉच करना, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़ एंड लॉट मोर टू कम, बहुत सारे वीडियोज़ मैं बनाने वाली हूँ, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।